कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी तो एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन बोल रही हूँ, मैं आयशा हूँ या मैं हया हूँ, है जिसका जो दिल चाहे वो कहे। और आप देख रहे हैं फंडामेंटल आफ्टर सो लॉन्ग, और आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। और काफी दिन आप सबसे दूर रही और वीडियोस नहीं बना रही थी, जिसका मुझे तहे दिल से बहुत ही दुख है। और आपसे जो है सबसे मैं तहे दिल से माफ़ी भी चाहती हूँ, बस क्या करें, बहुत से काम थे, लाइक स्टूडियो में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कभी मतलब हम आउट ऑफ जो है सिटी बिजी थे, कभी कुछ और बहुत सी जो है क्या। बट फाइनली हमने आपके लिए जो है वो टाइम निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा देर हम आपसे दूर नहीं रह सकते थे और ऑलरेडी जो है इतनी दूरी हो गई। सो आई एम हियर फाइनली, और आप सबका प्यार उम्मीद है कि उसी तरह उमड़ उमड़ के आएगा जैसे आप हमेशा जो है अपना प्यार हम पे निछावर करते हैं, एंड वी लव यू ऑल। तो आज मैं करने वाली हूँ मिर्ज़ापुर 2 का जो है ना सीजन 2 का ट्रेलर आ गया है, और मिर्ज़ापुर जो है पार्ट 1 मैंने एक्चुअली नहीं देखे, लेकिन उसके बारे में बातें बहुत सीखी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो अभी जो सोचा वो इसीलिए कहा कि भाई मिर्ज़ापुर 2 का ट्रेलर देखेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरी भी फिलोसफी जो है वो थोड़ी और बढ़ेगी, और उसके बाद हम फिल्म भी देखेंगे। सो अभी बस आज से इंशाल्लाह स्टार्ट हो गए हैं रिएक्शन, तो गाइस प्लीज आइए अपना प्यार दिखाइए कमेंट में, ढेर सारा लाइक भी कीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी कह रही हूँ। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चला, और हम बहुत सी और कोशिश करें कि आपके लिए ब्लॉग्स लेके आए और डिफरेंट इंटरव्यूज और बहुत सी चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड, अभी स्टार्ट करते हैं मिर्ज़ापुर का ट्रेलर देखना, जिसमें अली फजल है और मेरे फेवरेट पंकज त्रिपाठी है, इसके वाला दो हैं और श्वेता त्रिपाठी शर्मा है, और बहुत सी कास्ट है। तो शुरू करते हैं, क्योंकि मैं बताने बैठी तो मुझे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, मुझे देखना है ये ट्रेलर ऐसा जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा, और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं, अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे पीछ चुराए तो उन्हें मार के चले जाए। तो उसके लिए तो मिर्ज़ापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्ज़ापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी करेगी। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपके वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे, तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। बिहार में आपका स्वागत है। तथा त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। तुम्हारे दद्दा है, जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दद्दा होते एक मिनट में मां चुद देते, अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। बेटी का उधार हम पे चुकाना है। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्ज़ापुर भी। कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग और डायलॉग डिलीवरी, ऑब्वियसली अली फजल है, और सबसे बड़ी बात मेरे मतलब
मुझे उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत ही फेवरेट है यस पंकज त्रिपाठी वो है। एक एक एक्टर ने इतने ज़बरदस्त एक्सप्रेशन इतनी ज़बरदस्त तरीके से नेचुरली और इतने फ्लो में डायलॉग बोले हैं और मतलब ऑसम है सुपर है बहुत बहुत मजा आया। और दोस्तों मुझे फाइट वाले और वो जो है सीन और जो मार कुटाई वाले सीन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि जो है ये पॉलिटिकल ड्रामा है और पॉलिटिक्स और साजिशें और राजनीति और ये सब गद्दी और बदला और पावर गेम है। सो लेट्स सी के क्या होता है। वैसे वुमेन का थोड़ा सा नजर आया मुझे पर ज्यादा जो है उसमें जो है पावर की गेम है भाई। तो लेट्स सी उम्मीद है कि बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि मिर्ज़ापुर वन जो है जो कि मैंने नहीं देखा बट कोई बात नहीं ये देखेंगे आई प्रॉमिस आप सबके साथ और फिर जो है हम मिल के इसको बताएंगे कैसे। सो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी होने वाली है। देखे तो बहुत ही मस्त धमाकेदार लग रही है और फुल ऑन मजा आ रहा है। लाइक मुझे इसको देख के और जिस तरह से पंकज त्रिपाठी बोल रहे थे और अली फजल तो मुझे थोड़ी थोड़ी और जो डायलॉग्स थे तो मुझे वो सरकार मूवी की थोड़ी थोड़ी रेफरेंस और याद जो है वो आ रही थी। बट हर मूवी का एक जो है अलग उसको पेश करने का तरीका होता है। लाइक दाल एक ही है लेकिन हर जो शेफ है उसको अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से पेश करता है और उसके हाथ का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो यही एक अच्छे डायरेक्टर राइटर की और क्रिएटर की जो है वो खासियत होती है। तो मुझे देखने को भी उसमें नजर भी आई है डिफरेंस और बहुत ही मजेदार मसालेदार। सो लगती है कि क्या होता है। उम्मीद है कि बहुत ही मजे की होती है और उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। और उम्मीद ये भी मुझे ढेर सारी है कि आप सब भी जो है फंडामेंटल पे वीडियोस का दोबारा कम बैक देख के बहुत ही खुश होंगे। सो इट्स जस्ट द स्टार्ट और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो प्लीज स्टे ट्यून ऐसे ही अपना प्यार हमें दिखाते रहिए और जो है देखते रहिए फंडामेंटल। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।